आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज़ जस्ट सफ़िशिएंट टू जस्ट आयोनाइज़ सोडियम एटम इज देखिये कह रहे है कि फॉर एग्जांपल ये सोडियम एटम है है ना और ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो 242 फोर्टी नैनोमीटर की वेवलैथ वाली जो एनर्जी है यानी इक्वल टू एच सीमडा से कह दो आप ये इत जस्ट सफिशियंट हो रही है यानी ये जब इस पर पड़ रही है तो बस इतनी एनर्जी मिल गई कि वो अब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन एक्स, से एक्साइट हो जाएगा समझ में तो ये पूछा जा रहा है कि किलोजूल पर मोल में बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कि अगर ये देखिए जो पर एटम जो एनर्जी है वो दी हुई है पर मोल पूछी हुई है बस ठीक है पर एटम कैसे निकालोगे इक्वल टू एच वैल्यू रखोगे तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट लाइटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड एंड टू फोर्टी टू नैनोमीटर करेक्ट ये वैल्यू रख दी तो इससे जब ई e कैलकुलेट करते हो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी देखिए ये क्या है एक एटम को जितनी रिक्वायरमेंट क्योंकि वेवलेंथ बताई हुई थी रेडिएशन क्योंकि एक एटम को निकालने के लिए इतनी है तो पर मोल बतानी है तो देखिए एक एटम की निकल गई एनर्जी ई पर एटम जो निकल रही है यह कैलकुलेट करोगे जब आप तो आपके आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो एट वन एट वन एट इंटू टेन पावर माइनस सेवनटीन या फिर इसको देख बस इसको कैलकुलेट किया मैंने है ना तो एट पॉइंट वन एट इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन हो गया ये हो गया पर एटम ठीक है देखिए पर एटम हो गया मोल में निकालना है देखिए एक एटम की तो कितना हो गया एट पॉइंट माइनस नाइनटीन सिक्स पॉइंट जीरो इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स में कितना हो जाएगा एट पॉइंट वन एट इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी टेन पावर ट्वेंटी थ्री प्लस है मल्टीप्लाई हो गया ये कहां से आ गया एवेगेड्रो नंबर वन मोल इक्वल्स टू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स एवेगेड्रो नंबर समझ रहा है तो इसलिए अगर मैं एक एटम का पता है मुझे इतने एटम्स में यानी वन मोल के कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई कर दूंगा जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी आपकी फोर नाइन टू पॉइंट सिक्स एट पर मोल फोर नाइन टू देख लीजिए आप कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है फोर नाइन टू पॉइंट सिक्स एट है यानी फोर नाइन थ्री समथिंग कुछ करके आपका आंसर आ जाएगा ओके यानी किलो जूल पर मोल सो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा बस इस तरह से करनी है आपको